हेलो दोस्तों, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। स्विंग के किंग कहे जाने वाले इरफान पठान ने 4 जनवरी 2020 को संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। 12 दिसंबर 2003 को पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले इरफान पठान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी। अगर इरफान पठान की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज, पहले टी20 विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनने वाला खिलाड़ी, किसी भी तरह के वनडे इंटरनेशनल की एक पारी में 9 विकेट चटकाने वाला गेंदबाज, वाका क्रिकेट मैदान पर मैन ऑफ द मैच बनने वाले इकलौते एशियाई गेंदबाज, ऐसे न जाने कितने कारनामे आपको याद दिलाएं। 2016 में घरेलू क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं उस साल बेस्ट ऑलराउंडर था, जिसे आधार बनाकर मैंने टीम के चयनकर्ताओं से बात की थी, पर वो मेरे बॉलिंग एक्शन से खुश नहीं थे। तब मुझे समझ आया कि आप भले ही अच्छे प्रदर्शन करें पर चयनकर्ता खुश नहीं है तो टीम में एंट्री नामुमकिन है। इसलिए साल 2017 में मैं सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। मैंने संन्यास की घोषणा पहले इसलिए नहीं की क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए खेल भी रहा था, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा था। अब 35 वर्ष का हो चुका हूँ, खेल से दूरी बना रहा हूँ, अपने प्यार से दूरी बना रहा हूँ, पर क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ रिश्ता कायम रहेगा। संन्यास का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली जैसे महान खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिला, जो हर क्रिकेटर की तमन्ना होती है। साथ ही उन्होंने अपने चाहने वाले और पूर्व साथी खिलाड़ियों को उनके साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया अदा किया। मस्जिद में झाड़ू लगाने से लेकर टीम इंडिया का स्टार ऑलराउंडर बनने तक का इरफान पठान का सफर एक कहानी जैसा है। 19 साल की उम्र में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले इरफान ने 4 जनवरी के दिन अपने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि अब वो एक नए सफर की ओर बढ़ना चाहते हैं। इरफान पठान ने अपने संन्यास के वक्त कहा, मैं कहना चाहूंगा कि मैं ऑफिशियली क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर रहा हूं, खासकर इंडियन क्रिकेट, बड़ौदा क्रिकेट और जितनी टीमों के साथ मैं खेला, इतने लेजेंड के साथ खेला। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना नसीब वाला हूँ। एक छोटे से शहर बड़ौदा में, जहाँ पर मस्जिद में हम दोनों भाई खेला करते थे, वहाँ से आकर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बड़े दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा, मेमोरीज बनाऊंगा, उनमें से कईयों के साथ रिश्ते बनाऊंगा। कई को मैं बड़ा भाई कहता था, कई यंगस्टर जो टीम में आए उनके साथ पल बिताए। इरफान पठान इस मौके पर भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा, जो सपना देखा था बचपन में उसे पूरा किया, मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। हर एक की लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब आपको किसी चीज जिसको आप बहुत चाहते हो उसे अलविदा कहना पड़ता है। मैं आज उसे, जिसके लिए मैं दिन रात सोचता था, उसे अलविदा कह रहा हूँ। मैं अपने परिवार, पुराने कोच, टीम के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा अपने संन्यास के मौके पर इरफान ने अपने फैंस को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सबसे जरूरी जो मेरे फैंस है, 2012 में मैं आखिरी बार टीम इंडिया के लिए खेला था, उसके बाद कोशिश की, लेकिन अब भी जब 2019 खत्म हुआ, 2020 शुरू हो रहा है, आज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वो बात आती है कि वापस आओ, कम बैक करो। उन फैंस को सबसे ज्यादा शुक्रिया करूंगा जिन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अब जाने का वक्त आ गया है, एक नए सफर को शुरू करने का वक्त आ गया है। मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आखिरी मैच, उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर 2012 को खेला था, जो एक टी20 मैच था और साथ ही उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी। कई क्रिकेटर समीक्षक मानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने जब इरफान पठान के बॉलिंग एक्शन पे कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की और उन्हें एक तेज गेंदबाज से ऑलराउंडर बनाना चाहा, तो उससे इरफान के कैरियर में बड़ा बदलाव शुरू हुआ। इरफान पठान भारतीय क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज के रूप में धूमकेतु की तरह उभरे थे। उनकी तेज गेंदों का आलम यह था कि जब भी उन्हें मददगार विकेट मिलता था, उन्हें खेल पाना सामने वाली टीम के लिए नामुमकिन सा हो जाता था। लंबा कद, साफ सुथरा बॉलिंग एक्शन और खब्बू गेंदबाज होना उन्हें अन्य भारतीय गेंदबाजों की तुलना में और भी खतरनाक बनाता था। लेकिन जब उन्होंने कोच ग्रेग चैपल के कहने पर बॉलिंग एक्शन में अधिक स्विंग लाने की कोशिश की, तो उनकी गेंदों की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। उस दौर में तेज गेंदबाजी की समझ रखने वाले क्रिकेट समीक्षकों ने भी कहा था कि अगर गेंद में रफ्तार कम हो जाए तो बल्लेबाज के लिए स्विंग गेंदों को खेलना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा इरफान पठान अपने बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देने लगे थे, पर एक ऑलराउंडर की भूमिका में वो ज्यादा कामयाब नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे उनका करियर उतार की तरफ चल पड़ा।
इरफान पठान ने भारत के लिए लगभग 10 साल क्रिकेट खेला। उन्होंने साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट और 1100 से ज्यादा रन बनाए। वहीं वनडे में 173 विकेट 1500 से ज्यादा रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने T20 में 28 विकेट और 172 रन बनाए। वो भारत की 2007 की T20 विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे। अगर बात करें IPL की, तो वहीं IPL में इरफान पठान चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली डेयर डेविल्स, किंग्स इलेवन पंजाब, राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स और सनराइजर हैदराबाद के लिए खेले हैं। इन दिनों इरफान पठान भारतीय मैच में हिंदी कॉमेंट्री करते नजर आ रहे हैं। खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।